के फ्रेंड आप देख सकते हैं, आज हमारे पास पोर्चे गाड़ी आई हुई है टोइंग करके। देख सकते हैं हमारी टोइंग है जो बाहर जा रही है, ये हमारी पोर्चे गाड़ी है। तो फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका स्टेयरिंग जो है पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, लॉक हो चुका है, थोड़ा भी वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड हम इसको इसका बोनट ओपन करके चेक करेंगे कि हमारा इस गाड़ी क्यों इसका स्टेयरिंग हार्ड है। सबसे पहले इसको अंदर लेकर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं हम स्टेयरिंग कितना हार्ड है, क्या है क्या नहीं है। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था, हमारे पास फोर्से कैनी आई हुई है, ये टोइंग करके हमने कल लाया था, तो इसको हमने अंदर गैरेज के अंदर ले लिया है। तो फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें दो की है, ये देखिए दो चाबी, ये चाबी जब तक ये चाबी से सेंस नहीं करेगा तब तक आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है लेकिन जो स्टेयरिंग है वो वर्क नहीं करता, पूरा हार्ड हो चुका है। तो किस कारण से हार्ड है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम पहले सबसे पहले तो आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं मीटर पे हमारा RPM। ये देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ये देखिए हमारा गाड़ी थोड़ा भी वर्क नहीं कर रहा। देखिए ठीक है फ्रेंड, तो हमने इस गाड़ी में स्टीयरिंग हार्ड का प्रॉब्लम है। ये क्यों हार्ड है, किस कारण से हार्ड हुआ है वो हम आपको इसका बोनट ओपन करते हैं और इसका इंजन कवर निकाल के एक बार चेक करते हैं कि किस कारण से हार्ड हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप ओपन करते हैं। इसका सॉकेट का प्रॉब्लम थोड़ा रख लो दोनों, तो हम थोड़ा इसको कुछ सपोर्ट लगाएंगे। फ्रेंड हमने इसका कवर ओपन किया है तो इसमें इसका जो अल्टरनेटर का बेल्ट आता है वो नहीं है, ये देख सकते हैं टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए इसका अल्टरनेटर का बेल्ट टूटा हुआ है, पंप वर्क नहीं कर रहा है, पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम आता है वो सब कुछ वर्क नहीं करेगा इसका बेल्ट टूटने के कारण की वजह से। इसके लिए हमारा स्टीयरिंग हार्ड है, तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि हमारा स्टीयरिंग क्यों हार्ड है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी इसका बेल्ट किस कारण के वजह से टूटा है, मतलब बेल्ट टूटने का कारण क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिक तो इसका बेल्ट टूटेगा नहीं, तो इसका या तो अल्टरनेटर का जो पुल्ली आता है, क्लच पुल्ली आता है, वो जाम होने के कारण टूट सकता है, इसका जो बेल्ट टेंशनर आता है वो भी खराब होने की वजह से टूट सकता है, कोई भी कुछ कारण के वजह से ही इसका बेल्ट टूटा है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसका जो बेल्ट टूटने का कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड, उसके आगे का हम आपको रिपोर्ट देते हैं। तो ओपन करते हैं, ओपन करके फिर आपको दिखाते हैं हम। तो फ्रेंड ये इसका आपको पाइप ओपन करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं तो बेयरिंग का कंडीशन, ये देखिए पूरा इस पर मार लगा हुआ है, ये टेंशनर है फ्रेंड, बेल्ट टेंशनर देख सकते हैं पूरा कटा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो हम ये टेंशनर को भी ओपन करेंगे और इसका जो बेल्ट टेंशनर आता है ये देखिए यहाँ पे, ये भी पूरा तरह से जाम है, ये देखिए ताकत लगा घूम रहा है, तो इसको भी हम ओपन करेंगे। और इसका अल्टरनेटर का जो पुल्ली आता है, ये फ्रेंड ये क्लच पुल्ली आता है, ठीक है, इसे भी हम चेक करेंगे कि अल्टरनेटर का पुल्ली हमारा क्लच पुल्ली आता है तो ये एक साइड घूमना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए, तो हम इसे चेक करेंगे कि किस कारण से हमारा बेल्ट टूटा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये बेल्ट के जितने सारे टुकड़े हैं वो सारे पुल्ली के अंदर फंसे हुए हैं, एक क्रैंक पुल्ली के मेन पीछे देखिए, तो इसको हम घुमा घुमा कर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट का पूरा टुकड़ा है, ये देख सकते हैं इसका कंडीशन, बेल्ट का पूरी तरह से टुकड़ा हो चुका है, ये देखिए ये सारे इसके बेल्ट के टुकड़े हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले टेंशनर को बाहर निकालते हैं, बेल्ट टेंशनर को और ये हाइड्रोलिक टेंशनर को, क्योंकि पूरी तरह से जाम है, देखिए ये घूम नहीं रहा है, देखिए पूरी तरह से ताकत लगाना पड़ रहा है। तो हम ये टेंशनर को भी बाहर निकालेंगे और ये भी टेंशनर बाहर निकालेंगे और इसका अल्टरनेटर का जो क्लच पुल्ली आता है इसे चेक करेंगे कि किस कारण से हमारा बेल्ट टूटा है करके।
एक साइड घूमना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए। तो ये हम पहले सबसे पहले इसको स्क्रू ड्राइवर डाल के जैसे लॉक करते हैं, और लॉक करके इसको पुल्ली को घुमा के देखते हैं कि एक साइड घूम रहा है नहीं घूम रहा है। अगर नहीं घूमता रहेगा तो समझ लीजिए ये इसका क्लच पुली जो है वो जाम हो गया है। जाम होने के कारण से इसका जो अल्टरनेटर का बेल्ट आता है वो टूट गया है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका पुली चेक करते हैं। अगर ये पुली में प्रॉब्लम रहेगा तो हमें अल्टरनेटर ओपन करना पड़ेगा, अल्टरनेटर ओपन करके इसका पुली रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं तो हमने ऐसे ही बेल्ट डाल के दे दिया, फिर से कस्टमर लेके जाएंगे 1-2 किलोमीटर इसका बेल्ट फिर से टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पुली चेक करते हैं, उसके बाद से इसका क्लच पुली जो अल्टरनेटर का क्लच पुली आता है, ये बेल्ट टेंशनर का पुली और ये हाइड्रोलिक टेंशनर आता है, ये एक, ये दो, और एक क्लच पुल अल्टरनेटर का पुली तीन, और एक अल्टरनेटर बेल्ट, चार पार्ट हम इसमें रिप्लेस करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं दोनों बेल्ट टेंशनर को, और उसके बाद से फिर हम अल्टरनेटर का जो क्लच पुली है उसे चेक करते हैं लॉक करके। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका टेंशनर का बोल्ट ओपन कर रहे हैं। देखिए इसमें 12 खाँचे का एलंकी लगेगा आपका। ठीक है फ्रेंड, ये इसका टेंशनर है, बेल्ट टेंशनर। इसी प्रकार से एक और टेंशनर है, उसको भी हम ओपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, दोनों टेंशनर आपको 12 खाँचे के एलंकी से खोलना पड़ेगा। पूरा बेल्ट का जो टुकड़ा है वो जाकर पूरा टेंशनर के पुल्ली को ख़राब कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसका अल्टरनेटर का पुल्ली चेक करेंगे। इसमें एक स्क्रू ड्राइवर डालो जरा, अल्टरनेटर का पुल्ली चेक करने का है, क्लच पुल्ली काम कर रहा है कि नहीं। देख सकते हो फ्रेंड, ये घूम नहीं रहा है कहीं भी, ना नीचे ना ऊपर। तो दिखाते हैं, देखिए एक साइड घूमना चाहिए, किसी भी साइड नहीं घूम रहा है, तो हमारे पुल्ली का ही प्रॉब्लम है। ये देखिए पीछे भी नहीं घूम रहा है, क्योंकि एक साइड इसको लॉक होना चाहिए और एक साइड फ्री घूमना चाहिए। ये देखिए, तो हम इसका अल्टरनेटर ओपन करेंगे। ये देखिए इधर भी नहीं घूम रहा है, तो इसका अल्टरनेटर का पुल्ली का ही प्रॉब्लम है, इसके वजह से इसका बेल्ट टूटा हुआ है। तो हम इसका अल्टरनेटर भी ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका अल्टरनेटर का पुल्ली बाहर निकाल रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यह हमारा बॉक्स पाना का टूल्स है। आपको ये बॉक्स पाना का पेटी मंगाना पड़ेगा इसका अल्टरनेटर ओपन करने के लिए। इसमें सारे एलंकी है जो भी जितने भी टेंशनर में लगते हैं। ये हमारा देख सकते हैं बेल्ट के पूरे टुकड़े, इसका क्या हाल हो चुका है देखिए। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज कर ली है। ये देख सकते हैं ये अल्टरनेटर का पुल्ली है नया वाला, ये बेल्ट टेंशनर है, ये हाइड्रोलिक टेंशनर है, देख सकते हैं ये सारी चीज़ हमको मिल चुका है। ये सारी चीज़ें फोर्से कहनी का है जो हमारे पास गाड़ी आई हुई है, तो हम सारी चीज़ें फिट करके दिखाएंगे। अल्टरनेटर का नया पुल्ली है, जूना पुल्ली है, देख सकते हैं ये नया है, ये नया है, ये जूना जूना है। तो हम ये गाड़ी में फिट करते हैं और फिट करके आपको दिखाते हैं। ये इसका बेल्ट है, देख सकते हैं इसका अल्टरनेटर बेल्ट है। इसका साइज़ भी हम आपको बताते हैं, तो देखिए 6 PK 2525 है इसका साइज, फोर्से कहनी का। ये हमारी फोर्से कहनी है जिसका हम अल्टरनेटर का पुल्ली रिप्लेस करने वाले, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका हमने अल्टरनेटर बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि इसका हमारे पास टूल्स है पुल्ली ओपन करने का, तो हम आपको दिखाएंगे वो टूल्स कौन सा है। आप देख सकते हैं अल्टरनेटर का पुल्ली हमने लगा दिया है। अब इसको पाना लगा कर इसको फाइनल फुल टाइट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरह टाइट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये लंकी है, इसको आपको इसके पुल्ली के अंदर बिठाना है इस तरह से। ठीक है, पहले आपको ये बिठा लेना है, फिर इसमें
17 नंबर का रिंग पाना आपको पकड़ना है, ठीक है। ये 17 नंबर के रिंग पाने से आपको इसको ऐसा पकड़ के रखना है। उसके बाद से ये T50 का लंकी है जिससे आपको लॉक करना है। ये देखिए, इसको आपको अंदर से इसके अंदर डाल के अल्टरनेटर में आपको इससे लॉक करके रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ये जो है ये आपको नहीं घुमाना है। जो T50 का लंकी है जो हमने लगाया है, इसको एक जगह पे लॉक करना है। और जो ये रिंग पाना हमने लगाया है, ये जो हमने रिंग पाना लगा के रखा है, इसको आपको टाइट करना है नीचे की तरफ। हम आपको दिखाते हैं, इसका टीटो में दीजिए, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हैं ये जो हमने लंकी लगाया है उसको एक जगह पे लॉक करके रखा है, ये आपको एक जगह पे लॉक करके रखना है। और जो रिंग पाना है ये, इसको आपको टाइट करना है नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए, हम टाइट करके दिखा रहे हैं, इसको आपको नीचे की तरफ एकदम दबा कर टाइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फुली टाइट हो चुका है। चलिए लंकी निकालिए, पाइप निकालिए पहले। ये फ्रेंड देखिए, T50 का लंकी है जो आपको अल्टरनेटर में लॉक करना है, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेटर का पुल्ली फिट हो चुका है। अब इसका जो भी हमने टेंशनर ओपन किया था, तो टेंशनर को फिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इसका अल्टरनेटर का पुल्ली फाइनल टाइट कर दिया है। अब जो भी हमने इसका बेल्ट का टेंशनर खोला था, जितनी भी हाइडलर पुल्ली आती है वो सारे फिट कर रहे हैं। ये हमारा जूनाई हाइडलर पुल्ली है, इसको हमने अल्टरनेटर का पुल्ली खोलने के लिए थोड़ा ओपन किया था। अब बाकी ऊपर का जो हाइडलर पुल्ली है उसे हम नया डाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारा पुल्ली नया है, घुमा के चेक कर लीजिए, फ्री है ना। ये हाइडलर पुल्ली फ्रेंड हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बेल्ट कटने की वजह से पूरा इस पर मार लग के डैमेज हो गया था। घुमा के चेक कीजिए फ्रेंड, कभी भी आप हाइडलर पुल्ली कोई भी टाइट करेंगे तो उसको घुमा कर चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। देख सकते हैं हमारा पूरा फ्री है, ठीक है। अब इसका जो हमने बेल्ट टेंशनर हाइड्रोलिक वाला आता है वो भी हमने इसको रिप्लेस करने का है, क्योंकि ये भी पूरा डैमेज हो चुका था। तो ये भी हम रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोलिक वाला टेंशनर लगाइए फ्रेंड। इसमें एक और खासियत है, वो पट्टी दीजिए, इसके पीछे एक पट्टी था, देखिए देख सकते हैं फ्रेंड, इसके पीछे एक पट्टी दिया है, ठीक है। ये कभी भी आप खोलते समय ध्यान दीजिएगा, खोलते समय गिर जाता है नीचे, तो आप ऐसे ही मत लगाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे भी फिट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका जो बेल्ट का हाइड्रोलिक टेंशनर आता है उसे टाइट कर रहे हैं फाइनल। तो फ्रेंड, ये हमारा हाइडलर पुल्ली भी जो है, टेंशनर पुल्ली, वही फाइनल टाइट हो चुका है। तो अब हम इसका जो अल्टरनेटर का बेल्ट ओपन किए हैं उसे बिठाएंगे और बिठा के आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें बहुत सारे चीज़ें दिया है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं इसका बेल्ट बिठाने का पोजीशन किस तरह बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेल्ट बहुत बड़ा है, आप जल्दी नहीं बिठा पाएंगे। तो हम आपको इजीली तरीका बताएंगे इसमें कि किस तरह किसके ऊपर चढ़ाना है आपको, ठीक है फ्रेंड। तो हमने सारी चीज़ें फिट कर दी है, देख सकते हैं। ये हाइडलर पुल्ली भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ये सारे पुल्ली देखिए, ये अल्टरनेटर का पुल्ली भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब बेल्ट चढ़ाना बाकी है, तो बेल्ट चढ़ाकर और उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके हम दिखाते हैं कि हमारा स्टीयरिंग जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। इसका बेल्ट दिखाइए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये काफ़ी बड़ा बेल्ट है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए कितना लेंथ बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिठाने में, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बिठाकर। तो फ्रेंड देख सकते हैं, हमारे सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, सिर्फ बेल्ट बिठाना बाकी है। तो बेल्ट का आपको हम पोजीशन बताते हैं, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको क्या करने का है, जितनी भी सारे पुल्ली है बार बार से आपको बेल्ट बिठा देना है, सारे पुल्ली में, पावर स्टीयरिंग के पुल्ली में, क्रैंक के पुल्ली में, अपना कंप्रेसर में। उसके बाद से आपको क्या करने का है, अल्टरनेटर का जो पोजीशन दिख रहा है यहाँ से आपको सीधा बेल्ट लेकर सीधा ये लाने का है अपना हाइडलर में, जो इसका बेल्ट टेंशनर है। ये देखिए बेल्ट टेंशनर है, देखिए
ये हमारा बेल टेंशनर है, ठीक है। तो अल्टरनेटर से आपको सीधा देख रहे हैं, अल्टरनेटर के यहाँ से सीधा आपको ये हाइडलर पुली के ऊपर से सीधा ला करके इधर बेल टेंशनर में चढ़ाना है, और यहाँ से फिर ले जाके क्रैंक में चढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से इधर क्रैंक में चढ़ा लीजिएगा, क्रैंक में चढ़ाने के बाद अपना नीचे से कंप्रेसर पे चढ़ाइएगा, फिर अपना पावर स्टीयरिंग पंप के पुली पे चढ़ाइएगा, फिर यहाँ से ला करके ये हाइडलर पुली दिया इसके नीचे से वाटर पंप पे लगाइएगा, और वाटर पंप से लगा करके ये देख सकते हैं ये हमारा हाइडलर पुली है, अल्टरनेटर है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले तो आप ऊपर ऊपर पूरा बिठा लीजिएगा, ये जितना भी ऊपर ऊपर दिया है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि ये अल्टरनेटर के यहाँ से नीचे से सीधा बेल्ट आपको लेना है, और बेल्ट लेकर के सीधा बेल्ट टेंशनर के पुली में चढ़ाना है। बेल्ट टेंशनर के पुली में चढ़ा देंगे, फिर यहाँ से नीचे से लेकर के आपको क्रैंक के पुली में चढ़ाना है, क्रैंक के पुली के फिर नीचे से लेकर के आपको सीधा कंप्रेसर पे लेके जाना है, कंप्रेसर से फिर पावर स्टीयरिंग के पुली पे, फिर यहाँ से हाइडलर के नीचे से आपको यहाँ पे चढ़ा देना है, तो आपका ये बेल्ट बराबर बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट पूरी प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, ठीक है। तो हमने इसको लॉक करके रखा है टेंशनर को, हम इसका लॉक निकालेंगे क्योंकि बेल्ट हमारा लूज है, देख सकते हैं, तो हम इसका लॉक निकालते हैं, फिर आपको टाइट करके दिखाते हैं। इसका लॉक निकालिए, ऊपर नीचे प्ले करके और उसको फिर निकाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड। छोड़िए, छोड़ो टेंशनर, तो हमने टेंशनर जो लॉक किया था वो हमने निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट पूरी तरह से प्रॉपर टाइट हो चुका है। एक बार हम सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि हमारा सारा दाते दाते में बैठा है ना, देख सकते हैं हमारा पूरा पुली की तरफ एकदम दाते दाते में बैठा है, कहीं भी अंदर बाहर नहीं है, क्योंकि फ्रेंड थोड़ा भी एक भी दाता बाहर रहेगा आपका तो बेल्ट आपका बाहर निकल सकता है रनिंग में। तो हम नहीं चाहते कि आगे रस्से में चल कर कस्टमर को किसी को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, इसके लिए हम पूरी जांच पड़ताल करके इसको पूरी तरह से प्रॉपर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट बैठ चुका है, अब इसका हमने जो एक इंटरकूलर का होस ओपन किया है उसको बिठा करके फिर सेल्फ मार के आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी इसमें सारी चीज़ें जो हमने रिप्लेस करने का था वो सारी चीज़ हमने रिप्लेस कर दिया है। ये इंटरकूलर का हमने होस पाइप ओपन किया था क्योंकि हमें दिख नहीं रहा था करके, तो अभी से भी टाइट करके और उसका गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। बाकी हमारा सारा बेल्ट वेल्ट बैठ चुका है, देख सकते हैं हमारा बेल्ट का टेंशनर, हाइडलर पुल्ली उल्ली जो भी हमारा था, अल्टरनेटर पुल्ली, सारी चीज़ें हमारी फिट हो चुकी है, सिर्फ होस पाइप टाइट करना बाकी है। इंटरकूलर का होस टाइट करके फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके हम दिखाते हैं कि हमारा स्टीयरिंग जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड ये हमारा जो भी प्रोसेस था वो पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ स्टार्ट कीजिए, देखिए तो फ्रेंड ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे सारे बेल्ट पोजीशन अब टाइम पे देख लीजिए, सारे एक पोजीशन पे, कोई भी हमारा बेल्ट का दाता अंदर बाहर नहीं, देख सकते हैं। अब हम आपको स्टीयरिंग चेक कराते हैं, अंसारी जी स्टीयरिंग घुमाइए, ये देखिए फ्रेंड हमारा जो स्टीयरिंग हार्ड का प्रॉब्लम था पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, देखिए ये देखिए एकदम मक्खन जैसा घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर से हम आपको एक बार बंद करके स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये देखिए ये हमने गाड़ी बंद कर दिया है, ये देख सकते हैं मीटर पे हमारा किसी प्रकार का कोई भी लाइट नहीं है, हमने इतनी सारी चीज़ें ओपन की थी लेकिन देख सकते हैं मीटर पे हमारा कुछ भी लाइट नहीं है, चेक लाइट, एयरबैग लाइट, एबीएस लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। ये हमारा स्टीयरिंग देखिए एकदम मक्खन जैसा फ्री है, ये देखिए हमने आपको बताया था, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है, अब इसका हम एक लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे और टेस्ट ड्राइव लेके अब कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, क्योंकि तो हमारा जो स्टीयरिंग हार्ड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो हमने इसमें अल्टरनेटर का बेल्ट, एक हाइडलर पुल्ली, एक बेल्ट टेंशनर और एक अल्टरनेटर पुल्ली, चार चीज़ हमने इसमें रिप्लेस किया है,
ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का हमारा वीडियो था कि हमारा शेयरिंग हार्ट क्यों है। तो इसका शेयरिंग हार्ट क्यों हुआ था फ्रेंड, वो हम आपको बताते हैं। इसका जो अल्टरनेटर में पुल्ली आता है, क्लच पुल्ली आता है, वो क्या होता है, जब हम स्क्रू ड्राइवर आप डालकर उसको घुमाएंगे तो एक साइड फ्री घूमना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए। तो इसका दोनों साइड लॉक हो चुका था, घूम नहीं रहा था, इसके लिए उसके कारण से बेल्ट टूट गया था। और बेल्ट टूटने के कारण की वजह से इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है वो काम करना बंद कर दिया था। पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया था, अल्टरनेटर काम करना बंद कर दिया था, वाटर पंप काम करना बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें बंद काम बंद होने के कारण से हमारा स्टीयरिंग हार्ड हो चुका था। तो हमने इसका अल्टरनेटर पुल्ली, अपना अल्टरनेटर बेल्ट टेंशनर और हाइडर पुल्ली, ये सारी चीज़ें हमने रिप्लेस की। और उसके बाद से रिप्लेस करके गाड़ी हमने स्टार्ट करके आपको दिखाया है। तो हमारा स्टीयरिंग का जो हार्ड का प्रॉब्लम था पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोग को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।